नमस्कार नीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज मैं बनाने जा रही हूँ पपीते का जैम। पपीते का जैम बनाने के लिए मैंने पपीता लिया है, ये 250 ग्राम के लगभग पपीता लिया है। इसे धो करके छिलका हटा कर बीज हटा कर और टुकड़ों में काट लिया। आधा कप से थोड़ी ज़्यादा शक्कर है और आधा नींबू का रस लगी है मुझे। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी प्यूरी बना करके तैयार कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, ऐसे ही पीसना है इसमें। मैंने पपीते को मिक्सर पीस करके ले लिया। आप चाहें तो इसे छान सकते हैं, लेकिन ये बारीक पिसा हुआ है, मैं इसे नहीं छान लूँगी। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे इसे बनाने के लिए। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें हमने पपीते को पीस करके रखा था उसे डाल देते हैं और इसे तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे पकाते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, अभी और पकाना है इसे मुझे। मैंने लगभग 2 मिनट और पकाया है, अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें शक्कर डाल देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे थोड़ी देर पका लूँगी। डाल कर पकाते हुए भी मुझे 2-3 मिनट हो गए। नींबू का रस डाल देती हूँ, थोड़ी देर और पका देंगे। पक करके गाढ़ा हो गया है, जैम लगभग बन करके तैयार है। हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि ये पूरी तरह बन गया है या नहीं। इसे एक प्लेट में डाल करके देखेंगे। मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा डाला है, इसे हमें इस तरह से गिरा कर देखेंगे। इसमें से पानी अलग नहीं होना चाहिए और ये बिखरना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये बन करके तैयार है। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे एक बाउल में खाली कर लेती हूँ। पपीते का हेल्दी टेस्टी जैम बन करके तैयार है। इसे मैंने सर्व कर लिया है, बाउल में निकाल लिया है। इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख लीजिए, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। और इसे पूड़ी के साथ, ब्रेड के साथ, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।